दूर हटो, कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की, छोड़ो इसे। और मेरे साथ यहाँ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम जाओ और दूसरी लड़कियों की हेल्प करो, और जिसके साथ भी लंच करना है प्यार से उसके साथ लंच करो। अरे बाबा तुम अभी तक नाराज हो? अरे मोटी नहीं हो तुम मेरी माँ, मजाक कर रहा था, बिल्कुल ठीक हो, एकदम जीरो फिगर। राहुल अब तो तुम रहने दो, बल्कि मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि तुम किसी और के साथ जाओ और रेस्टोरेंट में जाके प्यार से खाना खाओ। हाँ तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हारा पीछा करने से ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास, और देखा मैंने तुम्हें अवंती के साथ लंच करते हुए, इतनी मोहब्बत से दोनों एक दूसरे से लंच कर रहे थे। कौन सी मोहब्बत? ओए देखो मेरी फ्रेंड है, उससे गलती हुई, उसने अपोलोजाइज किया, वो भी काफी सीरियसली, राइट? और हम दोनों ने भी तो अच्छा नहीं किया ना, हमारी शक की वजह से उसे एक रात पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी। राहुल तुम्हें अवंती के लिए बुरा लग रहा है, और जब मुझे मोटी कहा था तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुनो, कुछ नहीं सुनना। अरे सुनो ना, देखो अब ना तुम्हें आदत डालनी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम एक रॉक स्टार की वाइफ, यू नो अगर लौंडा इतना हैंडसम होगा तो किस किस को रोकूंगा यार। आई मीन आई डोंट ब्लेम अवंती, यू नो मेरी पर्सनालिटी पे फिसल गई, एयरपोर्ट पे देखा लड़कियां तो किस करने पर उतर आती हैं, वो तो सिर्फ लंच ही हो रहा था। हाँ पर देखो अब ऐसी सिचुएशन में तुम हर लड़की से सड़ोगी तो। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं जल रही हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है राहुल। अच्छा ना ही नहीं आज क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, ये बदबू उसकी नहीं है, जलने की। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे जलती हूँ? वैसे राहुल अगर मैं चाहूँ ना तो कोई भी गुड लुकिंग लड़का मेरे साथ बाहर जा सकता है। चोटू जल्दी इधर आ, मैडम तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें भी अवंती मिली थी बाहर लंच पे जाने के लिए, अब जब मैं जाऊंगी ना किसी के साथ बाहर तब देखना। तुम जरूर जाना गुड लुकिंग लड़के के साथ, लेकिन एक काम करना, फोटो नहीं मुझे वीडियो बना, मैं नहीं मान। तुम ना तुम बस यही करते रहो, और जिस दिन तुम्हें जलन होगी ना तुम्हें उस दिन पता चलेगा। इसका मतलब तुम जल रही हो, है ना? मैं क्यों जलूंगी? और मिस्टर सब्रवाल अब तो मैं किसी अच्छे लड़के के साथ बाहर जाऊंगी, और फिर तुम देखना क्या होगा तुम्हारा। ये लड़की जब गुस्से में मिस्टर सब्रवाल बोलती है